हर साल गर्मी आते ही आम जनता को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी आगे अभी और बढ़ेगी, मगर इस बार हिसार की जनता के लिए पानी अभी से परेशानी का सबब बन गया है। क्या है हिसार में पानी की मौजूदा स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। तेज धूप, सूखी पड़ी नहर, लगातार बढ़ता पारा, चिलचिलाती गर्मी, पर इस गर्मी में पानी को तरसते हिसारवासी खाली बाल्टियों के साथ कतारों में लगे हैं। दरअसल हिसार की 1.5 लाख के करीब आबादी प्यासी है। पानी की किल्लत का आलम यह है कि लोगों को नहाने का पानी तो दूर की बात है, प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि तेज धूप के बावजूद पानी की आस में लोग खाली बर्तनों के साथ बाहर निकलने को मजबूर हैं। और पानी पीने के लिए तक का पानी नहीं है इस टाइम। धोना पीने तो बहुत अलग बात है। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग पानी के बिना, और अब तो बिल्कुल पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अच्छा। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है जी, 15-20 दिन हो गए पानी नहीं आया जी, न कपड़े धोने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी है जी। पानी की बहुत दिक्कत है भाई। हाँ। सारे दिन बाल्टी उठाए फिर जाऊँ। शहर की कोई भी कॉलोनी हो, हर जगह आपको खाली बाल्टी और डब्बे ही नजर आएंगे। पर ऐसा पिछले 1-2 दिन से नहीं, बल्कि पिछले 18 दिनों से चल रहा है। कारण, हिसार में पानी की सप्लाई करने वाली नहर की सफाई हो रही है, मगर इस सब के बीच हिसार वासी परेशान हैं। इतनी भारी गर्मी जो इस टाइम हो रही है, मौसम की परेशानी की वजह से बहुत ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, और सालों से भी अब की बार जल्दी गर्मी शुरू हुई है। हाँ। और ऐसे में पानी की कमी, 15 दिन हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग। 15-20 दिन हो गए पानी नहीं आया जी, न कपड़े धोने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी है जी। जिंदल चौक से पानी कितना लेकर आए। इस पूरे मामले पर नहर विभाग के अधिकारी कैमरे पर तो नहीं आए, मगर ये जानकारी दी कि खनौरी हेड से पानी छोड़ दिया गया है, जो जल्द ही जल घरों में पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि नहर में सफाई कार्य के चलते 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नहरों की क्लोजिंग का समय था, जिस वजह से पानी की कमी से शहर का 70% एरिया प्रभावित हुआ है। हिसार से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।